सेवन राइडर अनुराग डोभाल उनको भाई अनफेयर तरीका से इविक्ट कर दिया गया। रोज ही ना इतनी गुस्सा हो गई मजाक से हट कर। कल वो न्यूज सुनकर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, घूस बंप आ रहे थे। आज से बिग बॉस का बात ही बंद कर देंगे। यूके जी और सेवन राइडर बिग बॉस के मैदान को खुलेआम भाई धमकी दे दी है। उन्हीं के लिए हम बिग बॉस देख रहे थे, अब तो बिल्कुल भी देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है भाड़ में जाए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को जय श्री राम। वैसे अभी फिलहाल मस्त आ रहे हैं नीचे से नहाकर और साथ ही साथ चाय लेकर आ रहे हैं और चाय के अंदर देखो कचरी डाल लिए। कचरी डालकर भाई चाय पीने में बहुत ही मज़ा आता है, स्वाद ही बदल जाता है पूरे चाय का। और यार कल का एक बैड न्यूज इतनी बुरी तरीके से वायरल हुआ है ना, इतनी बुरी तरीके से सुनकर तुम्हारा भाई का पूरा दिल टूट चुका है। अब क्या बताएं, पहले ये चाय को रखते हैं और फिर जाकर आपको बताते हैं। चाय ठंडा होने दो क्योंकि भाई कल वो न्यूज़ सुनकर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, घूस बम पा रहे थे। जो हम लोग के यूके जी सेवन राइडर अनुराग डोभाल भैया है, बाबू भैया, उनको भाई अनफेयर तरीका से इविक्ट कर दिया गया है बिग बॉस हाउस के अंदर से। बिग बॉस पहले भी एक बार ट्राई कर लिया था, फिर दोबारा से भाई जो अंदर जो कंटेस्टेंट है लोग ना उन्हीं के द्वारा बाबू भैया को ना निकाला गया है। बहुत ही अनफेयर इविक्शन था ये, बिग बॉस रियलिटी शो नहीं है। लग रहा है उसमें पहले ही विनर चूज कर लिए लोग, किसको विनर बनाना है, किसको ट्रॉफी देना है। घर वाले को बोलने पर यूके 07 राइडर को निकाले लोग। इतना घटिया, ये इतना घटिया तरीका से निकाला गया ना। कल का बिग बॉस का जो एपिसोड आया है भाई, देख कर दिमाग खराब हो गया। जो उनके साथ हुआ है ना गाइस, ब्रो से ना इतनी गुस्सा हो गई मजाक से हट कर। बिग बॉस रियलिटी शो नहीं है, फेक है, पूरा अनफेयर तरीका से निकाला गया। पहले लग रहा है विनर चूज करके रखा गया उसमें, मुनावर है या ये अंकिता लोकंडे, विकी जैन, किसी को भी लग रहा है ट्रॉफी दे देंगे लोग। पहले से विनर चूज करके रखे हैं लोग, केवल यूट्यूबर को TRP बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं लोग। अगर जो जो बड़ी बड़ी यूट्यूबर जा रहे लोग तो TRP बढ़ रही है, जिसके वजह से कलश TV वाले को फ़ायदा मिली है इस साल। और फिर जाकर लास्ट महीना आया है और लास्ट महीने में फिर उतनी TRP चाहिए नहीं रहती है, चाहिए भी होती है तो पहले से उतनी मिल गई है कि उतना कमा लिए लोग। तो अब भाई कोई निकल भी जाए तो उन लोग का तो जितना लगा था लोग तो मिल गया पैसा, उससे ऊपर ही मिल गया होगा। और फिर उन लोग को कंटेस्टेंट से कोई मतलब नहीं। जो बिग बॉस के अंदर हम लोग के बाबू भैया बहुत ही तगड़े तरीक़ा से खेल रहे थे लोग, तो बिग बॉस देखकर भाई उनका अच्छा नहीं लग रहा था, हमको ऐसा लग रहा है कि। तो वो पहले भी एक बार निकालने का ट्राई किए थे, फिर दोबारा से निकाल ही दिए उनको। जो ऑडियंस बैठी है बाहर भाई, क्या वो किस काम के लिए बैठी है? वोटिंग लाइन खोल रहे लो, वोट दे रहे लो, बाबू भैया को बचा रहे लो, लेकिन आपको निकालना है घर वालों की तरफ से। घर वाले चाहेंगे कि जिसकी फैन फॉलोअर ज़्यादा है लोग पहले उसी को निकाल दो, वरना भाई वोटिंग की तरफ से वो तो वो बंदा जीत ही रहा है, घर वाले यही चाहेंगे लोग। अब देखो, अब बाबू भैया निकल गए बिग बॉस के हाउस से बाहर, अब मुनावर ले जाएगा या ट्रॉफी या अंकिता लोखंडे, यही दोनों में से कोई ले जाएंगे लोग ट्रॉफी, ये भी फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड है ही, हमको ऐसा लग रहा है कि। और बिग बॉस हाउस से बाहर निकलने पे कुछ देर के लिए भाषण देना रहता है, तो बाबू भाई इनकार कर दिए, कहे जब मेरी ब्रो सेना की बातें नहीं सुनी जा रही है तो हम बिग बॉस का बात क्यों सुने। जब ब्रो सेना वोट कर रही हो, बाबू भैया को जिता रही है पूरी, वो वोटिंग लाइन पे निर्भर नहीं हो पा रहा है, कौन घर में रहेगा कौन नहीं रहेगा, अपने ही मर्जी से निकालना है तो वो भी अपने मर्जी से चलेंगे, वो भी बिग बॉस का बात नहीं सुनेंगे। डायरेक्ट यही वो बोले बाहर निकलते ही, हम कोई भी मीडिया वाले के पास जाएंगे नहीं, एक भी भाषण नहीं देंगे। बिग बॉस से निकलने के बाद एक जाना जाता है ना मीडिया वाले के पास, जो पूछते हैं लोग कि घर में आपको कौन से कंटेस्टेंट साफ लग रहे हैं, कौन से बढ़िया लग रहे हैं, यही सब पूछते हैं लोग। तो हम लोग के बाबू भैया इनकार कर दिए, मना कर दिए कि हम बिल्कुल भी एक भी मीडिया वाले के पास जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट बिग बॉस से निकलेंगे तो घर जाएंगे। अभी यूके 07 राइडर के जो टीम है उन लोगों से बातचीत हो रही है बिग बॉस की, तो वो सब बातचीत करेंगे लोग, देखते हैं लोग क्या होता है। अभी जो बाबू भैया है यूके 07 राइडर, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा तो ब्रो से ना भी हो रही है, अब तो बिग बॉस कोई देखेगा भी नहीं, हम आज से बिग बॉस का बात ही बंद कर देंगे भाई। उन्हीं के लिए हम बिग बॉस देख रहे थे और आप सभी को बता रहे थे, अब तो बिल्कुल भी देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है भाड़ में जाए। ये न्यूज़ सुनकर हमको इतना अजीब लगा ना, इतना अजीब आप वो बता नहीं सकते गाइस, इतना बुरी तरीक़े से एविक्शन किए हैं लोग।
देखकर मेरा पूरा दिमाग घूम गया रात ही को। इस शख्स को देखो, पहचानते हो इस काले इंसान को? कल हैप्पी न्यू ईयर मना कर आया था, गया था हम लोग के साथ पिज्जा खाने के लिए, इसके साथ उल्टा हो गया है। इतना हम लोग उल्टा उल्टा बोल दिए लो भाई, ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था, पूरे इसके अंदर गुस्सा आ गया था। आजकल इतने सारे बंदर आ रहे हैं सर ना गली में, इतने सारे अभी भी देखो कितने सारे ऊपर बैठे सर, इसी कारण से हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इसको देखो लग रही है ठंड है, पता नहीं किस क्या। एक बात सुनियो, कल क्या हुआ बस में ना जीके राइडर भाई को घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो हम पहले ही सुन लिए हैं, कुछ देर पहले आपको यही बात तो हम बता रहे थे, आदित्य को भी पता चल चुका है। और एलविस भाई तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एलविस भाई उनको सपोर्ट भी किए थे बहुत ही तगड़ा तरीका से, फिर भी बिग बॉस भाई लग रहा पहले से भी ना चूज कर लिया है। सो गाइस अभी यहाँ पर चल रही है लट्टू, रुको रुको देखना भाई हाथ उठा, ओ नहीं आया हाथ पे। अभी सेल सेल खेल रहे लोग जो पहले ये लास्ट में अब इसको जो मार कर बाहर निकालेगा फिर से वही होगा। ओ जी बच गया, एक दूसरे को लट्टू को मारना रहता है। ये सब पूरे दिन ऐसे ही लट्टू खेलते रहते हैं सब। और भाई यूके जो सेवन राइडर भाई की तरफ से बहुत ही तगड़ा न्यूज सुनने को हमको मिला यार, यूके जियो सेवन राइडर बिग बॉस के मेकर को खुलेआम भाई धमकी दे दी है, कह दिए हैं कि भाई तुम्हारा एक भी इंटरव्यू हम ज्वाइन नहीं करेंगे और तुम लोग कैमरा लेकर मेरे पीछे पड़ना मत, क्योंकि तुम लोग मेरी बातें जब नहीं सुने तो हम तुम लोगों की बातें क्यों सुने। ऐसा ही बात आपको कुछ देर पहले हम बता रहे थे, यूके जियो सेवन राइडर की बातें नहीं सुनी गई थी, उनको निकाल दिया गया था। वैसे यूके जियो सेवन राइडर खुलेआम उन लोगों को धमकी देकर चले आए हैं, ये भाई बहुत ही अच्छा किया यूके जियो सेवन राइडर भाई। अगर वो नहीं बोलते, अगर कोई भी आए नेक्स्ट बिग बॉस में तो बिग बॉस ऐसे ही करेंगे हर कंटेस्टेंट के साथ। बिग बॉस में जाने से पहले यूके जियो सेवन राइडर भाई को यानी कि अनुराग डोभाल को एक लिस्ट दिखाया गया था जिसमें लिखा था कि आपको वोटिंग के मामले में ही कोई गिरा सकता है तो आप बाहर आ सकते हो, वरना आप बिग बॉस के अंदर ही रहोगे। ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, वोट से तो कभी बाबू भी हार नहीं सकते हैं। मुनावर, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, सारे लोग का कहना था कि भाई यूके जीरो सेवन राइडर को बाहर निकालो। यूके जीरो सेवन राइडर भाई इतना बढ़िया खेल रहे थे, वो सब जानते थे लोग कि जब तक ये बंदा है ना अंदर तब तक ट्रॉफी कोई जीत नहीं सकता है, इसीलिए पहले इसको निकालो। सो गाइस अभी फिलहाल पहुंचे हुए थे क्रिकेट मैदान में और भाई मुझे लगा है कि मेरे टीम आए लोग क्रिकेट खेलने के लिए, बट मेरे टीम आई नहीं ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए, वरना आते लोग तो आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखते लोग। अभी फिलहाल हम अकेले ही आए हैं, तो बच्चों का गेम खेल रहे हैं सब, तो वही देख रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। छोटे बच्चों का गेम देखने में मज़ा आता है, कहते सब ऐसे मानना चाहिए तुमको, ऐसे मानना चाहिए, एक दूसरे को सलाह देते हैं सब, भाई हंसी आता है सुनकर। अभी फिलहाल वही देख रहे हैं और कुछ देर में चले जाएंगे घर, क्योंकि हमारे टीम तो आए नहीं है लोग। और वो प्लास्टिक वाला बैट से खेल रहे लोग, इतना तेज तेज लग रहा है ना उससे भाई, शॉट बढ़िया जा रहा है। ऐसे घूमने के लिए निकले थे, आगे देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि शीत हो रही है, बट बिल्कुल भी शीत हो ही नहीं रही है, इतने में ऐसा लग रहा है कि ठंडा आ जाए, लेकिन बिल्कुल ठंडी हो ही नहीं रही है अभी, इसीलिए आराम से बिना टोपी के ही घूम पा रहे हैं आजकल। और गाइस आज हम लोग के शहर में कलश यात्रा दोबारा से निकला है, वैसे गायत्री मंदिर है यहाँ पर, उधर से आज कलश यात्रा निकला है दोपहर 1 बजे करीब, बट तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी इसके बारे में अंदाजा ही नहीं हुआ है, आहट आई नहीं है कि कलश यात्रा आज निकल रहा है, वरना आया रहता तो भाई आप सबको दिखाते। और ये भाई गया हुआ था उसमें और इसको सम्मानित किया गया है पगड़ी पहनाकर, जो मेरे को मिलने वाला था वो इसको पहना दिया गया है, तो कहें चलो भाई है ना। अभी हम लोग आए लोग यहाँ पर पकौड़ी खाने के लिए, इस दुकान पे हम लोग आ रहे लोग 6-7 महीने बाद, उससे पहले आए थे लोग खाने के लिए। अभी गाइस यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म पकौड़ी बन रहा है, फिर इसके बाद निकलेगा तो हम लोग खाया जाएगा। सो भाई अभी मस्त वहाँ से निकल गए लोग पकौड़ी वकौड़ी खा कर, वैसे जो तल रहा था ना उसी को तलने में बहुत टाइम लग गया है, जिसके वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, वहाँ पर डायरेक्ट चल कर आया, तो भाई टूट कर ले लो पकौड़ी के ऊपर चाल लो और फटाफट खा लिए लो, 2 मिनट के अंदर कब खत्म हुआ कुछ भी पता नहीं चला। वैसे अभी मेरा दोनों पाँव बहुत ही स्पिन कर रहा है, अब डायरेक्ट यहाँ से घर जाएंगे ना भाई तो मस्त लेट जाएंगे कुछ देर, कि मेरा दोनों पाँव दर्दनाक करे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। अभी वैसे थोड़ा दूर आ गए थे लोग पकौड़ी खाने के लिए, लग रहा है इसी की वजह से होने लगा है।
जय माँ दुर्गा। वैसे भाई आजकल जो हम लोग के शहर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है और यात्रा उत्तरा निकल रहा है, वैसे हमको बहुत ही कम खबर मिल पा रही है। जैसे उस दिन एक कलश यात्रा निकला तो आपको दिखा है, और आज जो निकला उसको नहीं दिखा पाए क्योंकि आज हमको बिल्कुल पता ही नहीं था कि कलश यात्रा निकला है। अगर पता रहता तो आपको ज़रूर दिखाते। अब थोड़ा खबर रखना पड़ेगा, अपने शहर में क्या हो रहा है सब खबर रखना पड़ेगा। अभी आदित्य के घर में आकर बैठे हुए थे और अब भी हमको लग रही है नींद। अभी कुछ देर में जाएंगे घर में, मस्त सो जाएंगे। अभी यहाँ पर आकर बातचीत कर रहे लोग। वैसे हम लोग भी सोच रहे लोग कि अयोध्या जाया जाए। अयोध्या के लिए बहुत लोग प्लान कर रहा है ना आजकल जाने का, और कई लोग हम लोग बलिया शहर से भी निकल चुका है पैदल यात्रा पर। हम लोग भी सोच रहे लोग कि पैदल यात्रा करते लो, लेकिन भाई हम लोग से हो नहीं पाएगा वो। वैसे हम लोग भी प्लान बना रहे लोग, अभी अपना जो डिसीजन है वो आपको कल बताया जाएगा। अभी सारे लोग से पूछ रहे लोग कौन कौन चलेगा कौन कौन नहीं चलेगा, वरना अकेले तो जाएंगे नहीं, इतना भीड़ रहेगा। अगर फ़ोन का भी बैटरी डाउन हो गया तो किसी का वो रहेगा पावर बैंक, तो उसी से ना हम अपना फ़ोन चार्ज करेंगे, सब देख कर चलना है। फिलहाल सुबह से पूरा मूड ऑफ था। अनुराग दोवाल भाई UKG7 राइडर के बारे में इतना सुन लिए तो उसकी वजह से भाई पूरा मूड ऑफ था। बिग बॉस को साजिश रचना पड़ा है निकालने के लिए, वरना भाई वोटिंग के मामले में ब्रो सेना को कोई हरा नहीं पाता, जिसके वजह से बिग बॉस को खुद ही निकालना पड़ा है। फिर वो इंटरव्यू भी नहीं दे रहे हैं। बिग बॉस के जो मैकर है लोग बातचीत हो रही है कि उनको बोल दीजिए कि इंटरव्यू दे दे एक बार, तो देखो होता है क्या। अभी सुबह से इसी में मेरा मूड ऑफ रहा ये सब सुनकर कि बिग बॉस से बाबू भैया बाहर निकल गए। जो हुआ तो बहुत गलत हुआ, अब क्या कर सकते हैं हम भी। फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद है ब्लॉग तो लाइक करिएगा, अगर चैनल अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब बिग बॉस का बिल्कुल भी बातचीत करेंगे नहीं अपने ब्लॉग में, अब गया बिग बॉस बाहर में।